नमस्कार दोस्तों, फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल स्टार्ट हो चुकी है और दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। बट दोस्तों अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी डील के बारे में जो दोस्तों फ्लिपकार्ट पर काफ़ी अच्छी मिल रही हैं। ये दोस्तों तीन चार ऐसे फ़ोन हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊँगा जिससे दोस्तों आप एक अच्छा फ़ोन खरीद सको। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को सेल के बाद या सेल से पहले खरीदते हो या सेल के बाद दोस्तों कभी भी खरीदोगे तो ये फ़ोन दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस मिलेंगे अभी के अकॉर्डिंग। बट दोस्तों अभी सेल के अंदर ये काफ़ी अच्छे प्राइस मिल रहे हैं और दोस्तों इनके जो फीचर हैं वो दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहली डील की बात करें तो ये आती है दोस्तों रियलमी की तरफ से। दोस्तों रियलमी का रियलमी 7 अगर आप इसे इस सेल में खरीदते हो तो दोस्तों अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये फ़ोन आपको 6GB 64GB वाला 12749 का पड़ सकता है। दोस्तों 13000 से भी कम की कीमत में जो आपको मिल रहा है, जो दोस्तों मैं बोलूँ काफ़ी अच्छी डील है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है मीडियाटेक का एलियो G95। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हैंगिंग वाली जैसे सैमसंग के डिवाइस में देखने को मिलती है। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो 13000 से कम की कीमत में ले सकते हो। इसमें आपको बैटरी भी अच्छी मिलती है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है और दोस्तों देखने में भी दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है। अब दो दूसरी डील की बात करें तो जी आती है दोस्तों पोको की तरफ से। पोको का X3 आपको इस सेल के अंदर 13750 का मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस फ़ोन की वैसे प्राइस की बात करें सेल से पहले की या फिर सेल से बाद की तो ये फ़ोन आपको 70000 रुपये का देखने को मिलता है। बट दोस्तों अभी ये फ़ोन आपको सिर्फ 13750 का मिल रहा है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है, काफ़ी अच्छा ऑफर है। अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो बिना टेंशन ही कह सकते हो। बट दोस्तों आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी दोस्तों ये बिल्ड क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसमें दोस्तों आपको बैग में प्लास्टिक बैग दिया गया है और ये फ़ोन थोड़ा मोटा भी है। अगर आप इसे बिना कवर के यूज़ करोगे फिर भी ये फ़ोन दोस्तों देखने में काफ़ी मोटा लगता है। बट दोस्तों यही इसमें एक परेशानी है। वैसे इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं जो दोस्तों हमें एक फ्लेक्सिबल लेवल वाले फ़ोन में मिलते हैं, सेम वही फीचर हमें इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं। बैटरी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है और दोस्तों जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 732G प्रोसेसर है, जो दोस्तों पहली बार इस फ़ोन में आया था। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी डील की, जो इस लिस्ट की दोस्तों सबसे धमाकेदार डील है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आपको रेडमी के 9 प्राइम के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल के अंदर काफ़ी अच्छी प्राइस मिल रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके एक ऐसे फीचर की जो हमें इस प्राइस रेंज में दोस्तों कोई भी कंपनी नहीं देती। दोस्तों इसकी प्राइस है सेल के अंदर 8750 रुपये। दोस्तों 9000 से कम की कीमत में हमें मिल रहा है फुल HD डिस्प्ले। यह दोस्तों रेडमी का एक फ़ोन है, फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है और दोस्तों इसकी डिज़ाइन सेम रेडमी का नोट 8 प्रो जैसा है। पीछे से सेम आपको रेडमी का नोट 8 प्रो जैसी फीलिंग आएगी अगर आप इसे दूर से देखते हो तो। और दोस्तों इसकी फुल HD डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसे 9000 से कम की कीमत में खरीदते हो तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में नहीं बता सकता, नहीं तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। दोस्तों अगर आप इसे फोन लेना चाहते हो तो 9000 से कम की कीमत में ले सकते हो फुल HD डिस्प्ले के साथ। अगर आपको बैट 10000 रुपये से कम है तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हो, जो दोस्तों बोलो काफ़ी अच्छी डील है इस सेल के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं इस लिस्ट के आगे डील के बारे में। यह दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल के अंदर 15000 रुपये का देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये फ़ोन 15000 रुपये का सेल से पहले भी था, बट अगर आप इसे इस सेल के अंदर खरीदते हो, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है और आप उसे इसका उसका और दोस्तों आप इस फ़ोन का पेमेंट एक्सिस कार्ड से करते हो तो ये फ़ोन आपको सिर्फ 14250 रुपये का मिल जाएगा, जो दोस्तों मैं बोलूँ काफ़ी अच्छी डील है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसकी बैटरी देख लो, डिस्प्ले देख लो दोस्तों, इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लो, कैमरा देख लो, आप कुछ भी देख लो, ये फ़ोन हर मामले में दोस्तों आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इसका दोस्तों जो प्रोसेसर है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों 14250 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्राइस है वैसे कुछ टाइम पहले इसकी प्राइस 70000 रुपये थी, बट दोस्तों अभी ये आपको 14250 रुपये मिल रहा है, जिसमें दोस्तों आपको हर चीज़ अच्छी मिलेगी। और दोस्तों इसके कैमरे की जो डिज़ाइन है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी दी गई है। इसके कैमरे में दोस्तों आपको गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन देखने मिलती है, फ्रंट में मिलती है और बैक में मिलती है, बैटरी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों ये 3-4 फ़ोन थे जो इस लिस्ट में मैंने आपको बताए हैं, जिन्हें आप दोस्तों इस फ्लिपकार्ट सेल में काफ़ी कम कीमत में खरीद सकते हो। और दोस्तों जियो सेल जियो दोस्तों मैं ऑफर आपको बता रहा हूँ जो कुछ ही दिनों के लिए हैं, जो आपको 12 तारीख तक देखने को मिलेंगे और दोस्तों एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस सेल में मिल रहा है जो दोस्तों कभी भी हट सकता है। तो अगर आप कोई फ़ोन लेने सोच रहे हो तो फटाफट से इनमें से कोई सही फ़ोन ले लो। दोस्तों जो भी फ़ोन मैंने आपको बताए हैं जो काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं,
ये चारों ही फ़ोन दोस्तों फुल HD डिस्प्ले के साथ आते हैं और चारों ही फ़ोन दोस्तों अच्छे प्रोसेसर के साथ आते हैं। एक भी फ़ोन ऐसा नहीं है जिसमें आपको ख़राब प्रोसेसर देखने को मिले। आप इन चारों में अच्छी गेमिंग कर सकते हो, अच्छी वीडियो बना सकते हो, फोटो खींच सकते हो, कुछ भी आप करो, गेमिंग करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।